फिर से बात करते हैं कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक की। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पारंपरिक सीट यानी झालरा पाटन से उनके गढ़ में घेरने के लिए मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस की ओर से जारी हुई दूसरी सूची में झालरा पाटन सीट से उतारा गया है। और ये रोड शो की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, रोड शो निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं, चाहे महिलाएं हो या फिर पुरुष कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में भागीदारी निभाते हुए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो उत्साह है वो भी परवान पर था। वहीं पर कार्यकर्ता सीएम राजे के समर्थन में लगातार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इस महामुकाबले पर महाबहस के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश पारीख जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हार्दिक चौधरी है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हार्दिक चौधरी जी, आपका ही रुख करना चाहेंगे, कांग्रेस का ये जो मास्टर स्ट्रोक था, इसे क्या कहेंगे आप? ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक निश्चित रूप से आज आपको लग रहा होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदैव माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी चुनौती दी है। और 4.5 साल तक कांग्रेस ने इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की आवाज को मुखर होकर, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पे हो, हमारे प्रदेश के तमाम नेताओं ने उसको उठाया है। मास्टर स्ट्रोक तो उस दिन भी दिया था जब वहां पे नगर पालिका के लोकल निकाय के चुनाव थे और उस निकाय में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था। और कांग्रेस ने उस समय भी वहां पे अपना मास्टर स्ट्रोक दिया था जब छात्र शक्ति का चुनाव था और छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के विधानसभा क्षेत्र के अंदर NSYN परचम लहराया। और ये विदाई तय थी, इसकी जनता ने जनादेश समय समय पे दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के अहंकार ने उसको आईना दिखाने में असफल रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी को आज जब स्वयं वहां पे पहुंची है तब पता चलेगा कि वहां की जनता का जनादेश लेके जिस संसद के अंदर, सदन के अंदर आप बैठे थे, वहां पे वो जनता ही गणेश होती है जो उस दरवाजे पे आपको पहुंचाती है। और आज वहां की जनता आतुर है, 7 दिसंबर को तय करेगी माननीय मुख्यमंत्री जी की विदाई को। बिल्कुल, और जो गहमागहमी है वो लगातार शुरू हो चुकी है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चेहरे पर आरसी चौधरी साहब साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। ओम सैनी जी का रुख कर लेते हैं। ओम सैनी जी, जो मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस की ओर से आज खेला गया, 152 नामों की सूची आई, उसमें किसी नाम ने इतना नहीं चौंकाया जितना दूसरी सूची में 32 नामों पर जो मानवेंद्र सिंह का नाम था, झालरा पाटन सीट से सामने आना सबको चौंका कर रखे। और इसके बाद जो राजनीति है प्रदेश के उबाल पर आ गई, आपका ओपनिंग कॉमेंट। देखिए, ऐसा कुछ नया नहीं है। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत को सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने गंगानगर में पराजित करके तीसरे नंबर पर छोड़ा था, दूसरी सीट से वो जीत किया है। ये चमत्कार होते रहे हैं राजस्थान में। जयराम व्यास के साथ में ऐसा हुआ है, टीकाराम पालीवाल के साथ में ऐसा हुआ है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये मास्टर स्ट्रोक तो इसलिए हो गया कि जातियों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती रही है पिछले 5 वर्ष में कि हर जाति अपना एक वर्चस्व देखना चाहती है। 36 जातियों की बातें करने लगी, वरना राजस्थान में जातियां लुप्त हो रही थी और वर्ग बन रहे थे, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, मध्यम वर्ग, ये सब बन रहे थे, उनको वापस जातियों में उभार दिया। और उसका श्रेय जाता है वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को। 36 जातियों की बात ये करने लगी है। और अब जब इतिहास वहां पर झालरावाड़ में पहली बार एक तरीके से सामने आएगा तो इनको जोड़ा जाएगा सिंधियाज के साथ में, सिंधियाज के साथ में जोड़ा जाएगा तो मराठों के साथ में जोड़ जाएगा, मराठों के साथ में जोड़ा जाएगा तो मराठों का जो आतंक राजस्थान में रहा है उसको हर स्टेट जानती है, खासतौर से जयपुर खूब ठीक से जानता है कि किस तरीके से मराठा आकर के चोत वसूली किया करते थे। और मानवेंद्र सिंह जो इस वक्त दुखी हैं अपने पिता के अपमान से और स्वाभिमान रैली के उससे जो अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं, वो जब सामने खड़े होंगे और साथ साथ में जब लोगों को, किसानों को ये पता लगेगा कि जिस लहसुन की उगाने की कीमत जिस बाजार में 100 रुपया लग रही थी वो 27 रुपये में बिक रहा था, तो वो जो तड़प है और उस पर जो सुसाइड रेट, जिसके लिए इनके कृषि मंत्री फरमाते रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोग और कारणों से मरे हैं, तो इन सब बातों को जब अगर मानवेंद्र सिंह अपने मुख से बोलने लगेंगे और लोगों का दुख अगर होगा तो ये बहुत भारी चुनौती होगी। और इतना सहज नहीं है ये जो जातियों के कॉम्बिनेशन के, जब जातियों के रुझान दिखेंगे अलग अलग, उनके पास में जो भी है वो सिंधियाज का है या गुजरों के साथ में ऐसा कुछ जोड़ेंगी वो, तो ठीक इसी तरीके से मानवेंद्र सिंह भी जोड़ेंगे, राजपूतों को कहेंगे कि हमारे साथ में क्या होता रहा, तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा।
लेकिन देखिए जैसे आपने किए हैं, जिस तरह से आपने राजस्थान के अंदर वर्गों को जातियों में पारितोषिक दिया है, उसके परिणाम इन चुनावों में देखने को मिलेंगे। जो वंचित जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में लाभान्वित होने की स्थिति में होंगी, कोई इधर जुड़ के कोई उधर जुड़ के, क्योंकि वो जो चाहिए था, जो सीधा सीधा सवाल होना चाहिए था कि बेरोजगारों का क्या हाल है, किसानों का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, ये सब बातें तो गौण हो गई, विकास का क्या हाल है, और 36 जातियों के बारे में चर्चा होती रही। तो अब मुख्यमंत्री स्वयं मैदान में है और सामने मानवेंद्र सिंह है, तो रोचक रहेगा और इतना सहज नहीं है, केक वॉक नहीं है ये, कई समझ रही हैं आपकी वसुंधरा जी, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है तो पूरे प्रांत के अंदर, उसका ये इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी वर्चस्व को बचाए रखने के लिए, क्योंकि मैंने भैरव सिंह जी को पराजित होते हुए देखा है। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने तो बहुत अभी कुछ ऐसा लगता है कि जैसे नई नई सीख करके मैदान में आई हैं। भैरव सिंह जी ने लंबी पारी खेली है राजस्थान की, वो पराजित हो गए, तो वसुंधरा जी का क्या है, जब जनता नाराज होती है तो कहीं भी कुछ भी सबक दे देती है, चाहे कोई भी हो। मुकेश जी, ओम सैनी जी की बात तो आपने सुनी ही होगी, जब भैरव सिंह शेखावत जी पराजित हो गए तो फिर सीएम राजे को चुनौती दे पाएंगे मानवेंद्र सिंह, इतना हल्के में लेना भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल नहीं दे पाएंगे चुनौती। माननीय वसुंधरा जी इस समय पूरे प्रदेश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, इस ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, जनता का उनके प्रति आकर्षण है, जनता उनको सुनने के लिए पहुंचती है, और खाली झालरापाटन में ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता है, तो इस तरीके से ये चाहे मानवेंद्र सिंह उतरे या और कोई उतरे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप उनके अनुभव की भी बात करते हैं तो वो 4 बार विधायक और 5 बार सांसद रही हैं, सरकार में केंद्रीय सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रही है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न संगठनों के पद भी उनके पास रहे हैं, और 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री का उनको गौरव प्राप्त हुआ है, और राजस्थान में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, और विकास के चाहे काम हो या उनकी चाहे पुरानी पहले वाली सरकार और चाहे इस वाली सरकार, उन दोनों में अपने मुख्यमंत्री काल की उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है, और उसका परिणाम यह है कि राजस्थान प्रदेश की जनता उनको पसंद करती है, उनको नेता के रूप में देखती है, और उनकी लोकप्रियता किसी से छुपी हुई नहीं है। तो मानवेंद्र सिंह अभी कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस पार्टी में गए, और कांग्रेस ने बजाय अपने किसी नेता पर भरोसा करने के, जो अभी कुछ ही दिन हाल ही में जिन्होंने ज्वाइन की है, तो उन्हें एक बलि का बकरा बनाया है। तो ये उनका कांग्रेस का जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो कांग्रेस अपने आधार पर उसको देखती होगी, लेकिन कोई भी चुनाव वसुंधरा जी के सामने लड़े, वसुंधरा जी की झालरापाटन की जो जनता है, उन्होंने आज स्वयं ने कहा है कि वो झालरापाटन की जनता से उनका मतदाता वाला संबंध नहीं है, झालरापाटन विधानसभा के जो लोग हैं वहां के मतदाता है, वो उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो इस प्रकार के उनसे जनता से रिलेशन है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि झालरापाटन ही नहीं, पूरे राजस्थान में आज विधानसभा की सीट में उनकी लोकप्रियता है, और झालरापाटन तो वो आज गए हैं फॉर्म भरने, बाकी तो उनको पूरे प्रदेश के जो हमारे 200 उम्मीदवार जो खड़े होंगे उनको जिताने के लिए, उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनको जगह जगह उनके प्रचार के लिए और उनके उनको विजयी बनाने के लिए जो भी अभियान होगा उसमें वो रहेंगी। झालरापाटन वो फॉर्म भरने के लिए जाते हैं। चौधरी साहब, आपका रुख यहाँ पर करना चाहूंगी, विकास के बलबूते बीजेपी सत्ता में आई थी और एक बार फिर से चुनावी रण में विकास के मुद्दे को ही लेकर उतरी है, वही विकास को लेकर ही कांग्रेस ने लगातार कोशिश की है बीजेपी को घेरने की, तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति वहां पर रहेगी अब, क्योंकि मानवेंद्र सिंह है उस क्षेत्र से ताल्लुकात नहीं रखते, उनका राजनीतिक क्षेत्र शिव है, तो ऐसे में उन्हें वहां पर लोगों के बीच जाने में क्या परेशानी नहीं आएगी, क्या कुछ लगता है, क्या ये सही फैसला कांग्रेस की ओर से लिया गया? देखिए, जिस प्रकार से जो मेरे जो बीजेपी के जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि वो जो उस विधानसभा के क्षेत्र के मतदाताओं से माननीय मुख्यमंत्री का जो रिश्ता है वो पारिवारिक रिश्ता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप में 2 बार महिला मुख्यमंत्री बनकर अपने आप को गौरवान्वित किया, लेकिन उस क्षेत्र का जो आम आवाम जो मतदाता था, वो किसान में अपना पसीना जो बहा के जहां पे अपने फसल का उत्पादन कर रहा था, वहां पे जो एक बेरोजगार है जिसे एक रोजगार की जरूरत है, जहां पे एक गरीब अपनी आजीविका चलाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के संगठन के जो लोग हैं वो दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर देते हैं, जब वो न्याय की गुहार करते हैं तब वहां पे पुलिस का पहरा लगा के बेगुनाह लोगों पे मुकदमे दर्ज होते हैं, तमाम सब चीजें रही है। और जो मेरे बीजेपी के जो साथी हैं उनका दायित्व भी बनता है, क्योंकि वो उनकी मुखिया है और उन्हीं की बदौलत वो यहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है
कि अगर मुख्यमंत्री जी को अगर इतना ही उस जनता से अगाध प्रेम था उस क्षेत्र की जनता से, तो निकाय के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारा था या माननीय मुख्यमंत्री जी को वो एक आईना दिखाना था? क्या जब छात्रों ने जब उस संगठन को नकारा तो क्या भारतीय जनता पार्टी की हार थी या माननीय मुख्यमंत्री को आईना था? आज मुख्यमंत्री का चुनाव है या भाजपा का चुनाव है ये बीजेपी के मेरे साथी बता दे। माननीय मुख्यमंत्री को चुनौती देने के लिए जवाब दीजिए। कद्दावर नेता वहां पे तैयार थे और उस क्षेत्र के भी थे, और हमारी जो मीनाक्षी नटराजन जो है वहां, मीनाक्षी चंद्रावत जो है उन्होंने भी उस वो चुनाव के लिए वहां पे तैयार थे। आज जो चुनौती के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुकेश एक बार मेरे को मौका दे, मैं आमने और सामने बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी को वो आईना दिखाना चाहता हूं जहां पे जो लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की जो बात की, जहां पे किसानों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की बात की, जहां पे लोगों के हक और हकूक को नकारने की बात की, आज माननीय मुख्यमंत्री को चुनौती है। निश्चित रूप से 200 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। मुकेश पारिक जी, चौधरी साहब कह रहे हैं कि किसानों ने उन्हें आईना दिखाया, किसानों का जो मुद्दे हैं उन्हें उठाने में सीएम राजे सार्थक साबित नहीं हुई है, और आगामी चुनाव में जनता जवाब देगी इस बात का। ये तो किसानों के लिए हमने क्या किया सब आपके सामने है। किसानों का राजस्थान में पहली बार ऋण माफ किया है तो वसुंधरा जी की सरकार ने किया है। आज किसान की आपकी जो केंद्र की जो उनकी मृदा स्वास्थ्य योजना है वो आज भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपकी जो समर्थन मूल्य में जो इस प्रकार की बढ़ोतरी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। आज जो किसान आज अपने उसके लिए तरसता था, उसके 50% खराबे पर उसको क्लेम मिलता था, आज उसको 33% करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है। ऐसे बहुत से काम भारतीय जनता पार्टी ने किसान और हर वर्ग के लिए काम किए हैं। देखिए, प्रजातंत्र का एक तरीका होता है। अभी जो आपने कहा कि कांग्रेस के कई उम्मीदवार थे जो चुनौती देने के लिए तैयार थे, लोकतंत्र में कुछ चीजें हैं जो हमको दिखती है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। आज जो आप उनका रोड शो बार बार जो दिखा रहे हैं, आज उस रोड शो में आप जनता की जिस प्रकार से उनके प्रति जो मैंने कहा कि उनके प्रति जो उनका प्रेम है, स्नेह है, उनका आकर्षण है, वो आज आप उसके उनके फॉर्म भरने के समय आप देख सकते हैं। वहां की जो झालरा पाटन की जनता ने जिस प्रकार से पलक पावड़े उनके लिए बिछाए हैं वो हम सबके सामने हैं। लेकिन ठीक है, अभी अभी प्रदेश से कांग्रेस के कोई दिग्गज रोड शो में शक्ति प्रदर्शन में उतरे नहीं है। राहुल गांधी की अगर बात कर ली जाए, आलाकमान की अगर बात कर ली जाए, तो खुद राहुल गांधी जब प्रदेश के दौरे पर आए थे तो उनकी सभाओं में भी इसी तरह का हुजूम उमड़ा था, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। चाहे जयपुर में किए उनके रोड शो की बात कर ली जाए, अगर अगर आप चौधरी साहब इस बात का आप जवाब दीजिए कि राहुल जी ने संभाग स्तर पर और अभी तक आपका प्रदेश से कोई नेता चुनावी रण में उतरा नहीं है, प्रचार प्रसार में उतरा नहीं है, तो क्या ये जो प्रेम है वो आपके नेताओं के लिए जनता का उमड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, कार्यकर्ताओं का उमड़ता नहीं आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या में तो कार्यकर्ता ही थे जो कि इस रोड शो में शामिल थे। देखिए, ना तो मैं आपके चैनल का समय जाहिर करना चाहूंगा, जिस प्रकार जी ओम सैनी जी ने जो एक पुराना एक इतिहास बताया, हो सकता है उतने इतिहास के बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं हो। अहंकार को इस राजस्थान के अंदर कभी भी सम्मान नहीं मिली है, अहंकार इस प्रदेश की जनता के ऊपर कभी भी भारी नहीं रहा है। इस प्रदेश की जनता ने समय समय पर उसको कर्तव्य बोध कराने का आईना दिखाता रहे। मेरे बीजेपी के साथी बार बार ये कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता इस राजस्थान के अंदर जितने उपचुनाव हुए उस उपचुनाव के अंदर करारी शिकस्त देकर आईना के तौर पर दिखाया। और लोकतंत्र के अंदर यही सबसे बड़ा पर्व होता है जिस पर्व के अंदर वहां पे मतदाता को उससे पूर्ण आईना दिखाने का हक है, और मैं वो पहले भी कह चुका हूं 7 दिसंबर को दिखाया जाएगा। मेरे साथी ने किसान की नुमाइंदगी की बात की, किसानों के हक की बात की। किसानों की अगर बात करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से ही बता दें कि इस प्रदेश के अंदर क्या 150 किसानों ने आत्महत्या की, आज भी वो मानते या नहीं मानते? आप ये नहीं मानते, जिस दिन हमने किसानों की लाखों की तादाद में बांसवाड़ा में रैली की थी तब आपके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि ये किसान तो राजस्थान के थे नहीं। जब हमने माननीय मुख्यमंत्री के पुत्र के संसदीय क्षेत्र के अंदर 100 किलोमीटर की पदयात्रा की, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट जी हो, डूडी जी हो और पार्टी के और तमाम वरिष्ठ नेता हो, जब वहां पे आईना सामने आया तब माननीय मुख्यमंत्री की कुंभकर्णी नींद जगी और हमने ये वादे किया कि किसान के हक और हकूक को आप इस कुंभकर्णी नींद के अंदर हम चैन से सोने नहीं देंगे, इसकी लड़ाई लड़ी और मुख्यमंत्री को वादे किया। कृषि मंत्री बार बार लोकप्रियता एक तरफ है, लेकिन ये जो फैसला लिया गया है ये क्या नुकसानदायक साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए? वही जो
बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या वो बीजेपी को ले डूबेगा? इस सवाल पे हुए वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी, आपका यहां पर रुख करना चाहेंगे। आज रोड शो की शुरुआत में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहती हुई नजर आई कि कांग्रेस को जब कोई नहीं मिला तो उनके सामने मानवेंद्र सिंह को उतार दिया गया, मानवेंद्र सिंह का नाम रख दिया गया। ऐसे में आपको क्या कुछ लग रहा है, गहन मंथन का दौर कांग्रेस में भी चला तो आनंद फानंद में लिया गया यह फैसला है या किसी रणनीति के तहत यह फैसला कांग्रेस की ओर से लिया गया है? सांसद रघु शर्मा कहते हुए नजर आए थे कि जितना मंथन होगा उम्मीद कीजिए अमृत उतना ही निकलेगा, क्या ये अमृत है जो कि दूसरी लिस्ट में सामने आया है मानवेंद्र सिंह के नाम के तौर पर झालरापाटन सीट से? जो संवाद और जो बयान आपने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सुनाया ये उस मुख्यमंत्री का नहीं है जिसने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को शुद्ध रूप से 120 सीटें हासिल करवा के स्पष्ट बहुमत हासिल करवा। बड़ी विनम्र थी, बड़े शब्दों का सोच समझ करके चयन करती थी, इस तरह की भाषा नहीं बोलती थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रारंभ में जब वो लोकप्रिय रही, सबने उनका सम्मान किया, भैरव सिंह जी भी उनका सम्मान करते थे और उनको अपना उत्तराधिकारी मानने के लिए तैयार हुए, ये सब बातें बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन जैसे जैसे ये शासन में आगे बढ़ी हैं वैसे वैसे इनमें दो चीजें जो बड़ा स्पष्ट नजर आने लगी है, एक तो राजस्थान की जो एक होमोजेनियस सोसाइटी थी, एकजुट सोसाइटी थी, उसका विभक्त जातियों में कर दिया जो बहुत बड़ा अपराध है। ये देखिए जो कुछ नजर आता है इस वक्त वो महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि दूसरे लोग भी हैं जो परेशान हैं वो साथ में नहीं आए हैं और उनकी तादाद भी काफी लंबी चौड़ी होगी क्योंकि एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी करीब 2.5 लाख के करीब लोगों की है और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कहां कैसे किस तरीके से समर्थन करेगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपना रोड शो करें उसमें लोग ना हो। आजकल तो सब कुछ नियोजित तरीके से सारा काम करने लगे हैं तो प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष दोनों करते हैं तो इससे कोई लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। लोकप्रियता का एहसास तो इससे होता है कि 5 साल में जो काम किए, महंगाई नियंत्रित की क्या, बेरोजगारी दूर की क्या, किसानों की तकलीफें दूर की क्या, सड़कें बनाई क्या, पानी पिलाया क्या, ये सब बातें लोग पूछेंगे, इनसे नहीं होता। इनसे तो ये तो दर्शनीय है, मतलब हम और आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ हमारी मुख्यमंत्री बड़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन साथ साथ में जो संकट हैं उनके जवाब नहीं मिल रहे इस उपस्थिति के माध्यम से। बहरहाल मैं समझता हूँ कि मानवेंद्र सिंह के लिए ये अपने आप में बड़ा अनोखा मुकाबला होगा। मैंने बताया आपको इतिहास की दृष्टि से भी और साथ साथ में ये कि जो सिंधियाज हैं वो तो देखिए महाराष्ट्र में तो ओबीसी हैं, यहाँ ठाकुर है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मानवेंद्र सिंह निश्चित रूप से ठाकुर है। तो ठाकुरों में ये जो अपना ईगो होगा, अहंकार होगा, क्योंकि जातीय युद्ध आप जब करते हैं तो ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं कि जैसे राणा राजपूतों को और दूसरे राजपूतों में फर्क समझा जाता है उसी तरीके से यहां पर भी होगा कि सिंधियाज मराठा ओबीसी हैं या राजपूत हैं, तो सारी बातें देखने को मिलेंगी। तो रोचक होगा ये मुकाबला, बहुत सारी बातें कहने सुनने को लोगों के माध्यम से सामने आएगी। बहरहाल ये अब ये तय हो गया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के बाहर नहीं जाएंगी, उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर निश्चित रूप से घूमना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस का यही सबसे बड़ा ख्याल होगा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राजस्थान के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाने से रोकने के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उलझाने के लिए मानवेंद्र सिंह जैसी शख्सियत जो अभी अभी आई है लेकिन बड़ा दबदबा और रुतबा दिखाकर स्वाभिमान रैली के माध्यम से स्थापित हुए हैं और जसवंत सिंह जी की लेगेसी उनके साथ में है तो अपने आप में बड़ा रोचक होगा ये। बिल्कुल रोचक तस्वीरें यहाँ पर चुनाव के दौरान देखने को मिलेगी। वही चुनाव चौधरी साहब, इन तस्वीरों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जहाँ बीजेपी की ओर से लिस्ट जारी की गई उसके बाद विरोध के स्वर मुखर हुए थे, आपकी ओर से लिस्ट जारी हुई नहीं लेकिन उससे पहले ही चाहे फुलेरा विधानसभा सीट की बात कर ली जाए, रामेश्वर डूडी के आवास के बाहर प्रदर्शन की बात कर ली जाए, विरोध के स्वर उठने लगे थे और लिस्ट के साथ सड़कों पर कार्यकर्ता उतर गए हैं, तो एक कितना फायदेमंद आपको दिख रहा है पार्टी के लिए? पैराशूट उम्मीदवार को लेकर राहुल गांधी खुद राजस्थान दौरे पर आते हैं, कहते हैं किसी भी पैराशूट उम्मीदवार को, पैराशूटार्थी को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन मानवेंद्र सिंह नाम के एक बड़ा चेहरा जिसे हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल किया गया और सीएम के सामने ही उसे उतार दिया जाता है, इस बयान के मायने आप समझा दीजिए। निश्चित रूप से जो कांग्रेस के जो कई साथी हैं, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, 4.5 साल से इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ सड़क पे लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हर कार्यकर्ता की एक महत्वाकांक्षा होती है, उसका भी किसी नेता से सानिध्य होता है और उसका भी टिकट मांगने का अपना एक हक है। लेकिन प्रदेश के अंदर 200 विधानसभा सीटें हैं और जब 20 और 21 का छोटा सा जब गैप होता है वहां पे प्रत्याशी के चयन के अंदर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
मैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं से, हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, निश्चित रूप से टिकट का वितरण होते ही उनसे संवाद की एक प्रक्रिया रहेगी, और जो उन्होंने खून और तपस्या की है और अपना पसीना बहाया है उसका मान और सम्मान किया जाएगा। और ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं को उन्हें वापस पुणे ये बताने की जरूरत है कि हमें इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए अपनी अपने निजी स्वार्थों को छोड़ के और निजी हितों को त्याग के इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की लड़ाई लड़नी है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता इसके लिए कटिबद्ध है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ फेंकने में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक बात, दूसरी बात, जो पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जब प्रदेश के तमाम जब दौरे पे रहे तब उन्होंने युवाओं की बड़ी मुखर होकर बात कही थी कि इस प्रदेश के अंदर, और उन्होंने जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें भी उन्होंने कहा था ये वक्त है बदलाव का, और ये जो वक्त है बदलाव का जो उन्होंने स्लोगन दिया था पीढ़ी परिवर्तन के साथ में, जो लिस्टें जारी हो रही हैं वो लिस्टें बता रही है कि कितने युवा चेहरों को उसके अंदर मौका दिया गया और कितनी महिलाओं को मौका दिया गया। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो उन्होंने कहा था पैराशूटिंग को नहीं आने देंगे, और कई समाचार पत्रों में कुछ व्यक्तियों के नाम छपे और उनके लिए कहा गया कि ये पैराशूटिंग जो लोग हैं उनको टिकट दी गई, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि चाहे मानवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर रहे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने आईना दिखाने का 4.5 साल तक काम किया। उन्होंने इस क्षेत्र के, अपने क्षेत्र की जनता का, इस राजस्थान की जनता की जो बात है इस सरकार के सामने उन्होंने उसको बिगुल बजाने का काम किया। दूसरे जो साथी है जैसे राजकुमार शर्मा जी हैं, राजकुमार शर्मा हमारी कांग्रेस की पहली सरकार के अंदर मंत्री भी थे और सदैव कांग्रेस के साथ में खड़े रहे। तमाम जितने जो 6 लोग हैं उनका मैं बता सकता हूं। इसलिए पैराशूटर वो होता है जो उसकी जनता पे थोपा जाता है। कांग्रेस के अंदर कोई भी व्यक्ति थोपा नहीं गया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और उस क्षेत्र के मतदाताओं की राय और मशुरा करके वहां पे हमने प्रत्याशी दिया है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट यह है कि जिन सीटों पर हम 2-3 बार से हार रहे थे, अब की बार हमारे तमाम जो वरिष्ठ नेताओं ने बैठ के और नीतिपूर्ण जो निर्णय किए हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की है। कोई भी पैराशूटी जनता पर थोपा नहीं गया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर थोपा नहीं गया है, लेकिन जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो तो ये बात बयां नहीं कर रही। बड़ी संख्या में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने आपसे गुजारिश की उन्होंने कहा कि 5 साल हमने लड़ाई लड़ी है, जो आपके विजुअल्स जो बता रहे थे अभी जो बोल रहे थे और कुछ जो साथी रहे उन्होने कहा कि निश्चित रूप से उनकी एक महत्वाकांक्षा होते हैं। मैंने 25 साल से संगठन में काम करा हूं, मैं भी एक प्रत्याशी के तौर पे था, लेकिन मेरा पहला जो कर्तव्य है, पहला प्रतिबद्धता है वो पार्टी के प्रति है, मेरे निजी हित के प्रति नहीं है। कांग्रेस की जो उम्मीदवारों की सूची है उसमें हमारा कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। हमारी रुचि ये है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं, और नहीं तो आपको क्या कुछ लगता है, मानवेंद्र सिंह जो कि हाल ही में बीजेपी छोड़कर शामिल हुए कांग्रेस में, कितना फायदा यहां पर मिलता हुआ कांग्रेस को नजर आएगा? क्योंकि जसवंत सिंह एक बहुत बड़ा नाम है जसवंत सिंह का, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सीनियर नेता रहे हैं, तो क्या अपने परिवार की जो पृष्ठभूमि है उसका लाभ नहीं मिलेगा मानवेंद्र सिंह के नाम को? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपकी सरकार में उनके पिता एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, मानवेंद्र सिंह के साथ क्या हुआ है वो मानवेंद्र खुद भी नहीं समझ पाए, और मानवेंद्र सिंह को झालरापाटन भेज दिया गया। झालरापाटन में जो भी उम्मीदवार बनता है उसको हार निश्चित थी उसकी, और मानवेंद्र सिंह को इसका पहली जो कांग्रेस में आने के बाद उनको अगर पहला कोई परिणाम मिलेगा तो वो हार का मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, एक सैनी साहब ने एक अच्छी बात कही कि लोकप्रियता के अलावा क्या किया वो महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से ये इन्होंने अवसर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम राजस्थान, जिसको पानी की जो कमी के नाम से जाना जाता है और जिसको ये सब जानते हैं कि राजस्थान में पानी का अभाव है, हमारी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान था जिसमें आम नागरिक जुड़ा, आम जनता जुड़ी, और हमारे प्रदेश के ऐसे कई हजारों कुएं बावड़ी जो सूख गए थे और जो गंदगी और जो कीचड़ डालने काम में आ रहे थे उनका सबको उनकी सफाई हुई, जनता के सहयोग से, सरकार की योजनाओं से और इन सब पर, और जनता का जो है आर्थिक मदद भी उसमें रही। आज कई गांवों के कुएं और बावड़ियां चार्ज हुई है, उनमें पानी आया है, और एक पानी की कमी के लिए एक ऐसा माननीय वसुंधरा जी का भागीरथी प्रयास था जिसका पूरे प्रदेश को लाभ मिला है। आपने बात करी बिजली की, बिजली में राजस्थान में पहले ये था कि बिजली पहले कांग्रेस के समय आती नहीं थी,
और अब भारतीय जनता पार्टी के समय में बिजली जाती नहीं है, इसका प्रमाण गांवों में है। जो बिजली कंपनियां थी उन बिजली कंपनियों की ऐसी स्थिति थी कि उन बिजली कंपनियों को कोई भी संस्था लोन देने को तैयार नहीं थी, उनको लोन का ब्याज देने के लिए लोन पड़ा था। क्या कुछ लगता है, क्या कंपनियों की बड़ी झालझा पाटन से सीएम राज्य के समक्ष उतारने के लिए उनके सामने उतारने के लिए कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था? ओम चैनी साहब, आपसे मेरा सवाल है, क्या कोई बड़ा चेहरा नहीं था कि अपने पैराशूटर्स वाले बयान को ही दरकिनार यहाँ पर कांग्रेस करती हुई नजर आई? हालांकि हबीबुर रहमान की अगर बात कर ले, हरीश मीणा की बात कर ले, तो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इस बात को आधार बनाती हुई कांग्रेस नजर आई थी। लेकिन मानवेंद्र सिंह का क्या, का अपने पार्टी से कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं था, बड़ा ऐसा नाम नहीं था जो सीएम राज्य से मुकाबला कर सके, जो बीजेपी से बागी हुए नेता को, कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए नेता पर इतना बड़ा विश्वास जताया गया? देखिए, मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले तो दलीय अनुशासन की बात की जानी चाहिए। दोनों दलों की आलोचना बड़े स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी वो दलीय अनुशासन नहीं रहा जिसके लिए विख्यात हुआ करती थी। कांग्रेस में भी प्रतिबद्धता का जो स्वरूप देखने को मिलता था वो नहीं रहा, इसलिए लोग आते हैं और एक दुकान की तरह इधर से उधर जाने का सिलसिला करते हैं। ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक है, यह डेमोक्रेसी के लिए बड़ा शर्मनाक है। लेकिन जिसने भी इसका प्रारंभ किया और भारी तादाद में थोक के स्तर पर, तो अभी अमित शाह साहब ने और नरेंद्र मोदी साहब ने स्टार्ट किया कि यहाँ की सरकार है, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को अपने में हजम कर गए। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ है, भैरव सिंह जी ने भी ऐसा किया था कि जनता दल दिग्विजय को भारतीय जनता पार्टी में समाहित कर गए, वो अलग बात है। लेकिन इन बातों पर चर्चा करने की बजाय कि हमारी दिन पर दिन हमारी प्रतिबद्धताएं कमजोर हो रही हैं, हमारा अनुशासन टूट रहा है, उसके बजाय प्रशस्तिगान करने का कोई अर्थ नहीं है। देखिए, गवर्नेंस के लिए और इनकी विनम्रता और पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में वसुंधरा जी ने स्थापित किया, उसके लिए तारीफ की जानी चाहिए और की जाएगी, इतिहास उसके लिए उनको याद करेगा। लेकिन साथ साथ में इतिहास ये भी कहेगा कि जिस तरीके से जातीय माहौल को उन्होंने पैदा किया अपने आप को स्थापित करने के लिए, और जो कांग्रेस का छुपा हुआ चला करता था इनका खुल करके सामने आया, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि अलग अलग जातियां, अभी आपने देखी भीड़ में से कोई बोल रहे थे हम कुमामत, जाति समाज बन गया, समाज तो पूरा हिंदू हो, हिंदू समाज जिसमें सारे कौन से समीकरणों के लिहाज से मानवेंद्र सिंह का जो नाम है वो इस सीट से फाइनल किया गया होगा? निश्चित रूप से इसलिए किया गया कि मानवेंद्र सिंह के पीछे बहुत बड़ी लेगेसी है, बहुत बड़ा राजपूत समाज है जो उनके पिताजी के साथ में जुड़ा हुआ है और जो पूरे राजस्थान के अंदर फैला हुआ है, और वो जब सिंधिया जो राजपूतों का सिलसिला आएगा, तो मेरा ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी ने यही सोचा है कि पूरी ताकत के साथ में यहां पर लगा दीजिए, राजपूतों की जो नाराजगी है वो नाराजगी एक जगह घनीभूत होगी, और बाकी जातियां जिनको किसान है जिसके अंदर और दूसरे नौजवान हैं, वो अगर उनकी नाराजगी घनीभूत होकर के और वसुंधरा जी को यहाँ पर परास्त कर सकती है। ये इनका सीधा सीधा मास्टर स्ट्रोक तो नहीं कहा जाना चाहिए, रणनीति है ये। तो इस रणनीति से बचने का रास्ता क्या हो सकता है वो वसुंधरा जी ने अभी तक स्थापित किया नहीं है, क्योंकि लगातार रणनीति के साथ उतरी आनंद में लिया गया फैसला नहीं गया, और यही वजह थी कि राहुल गांधी कल एमपी से अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस दिल्ली लौटे और उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर मंथन किया होगा, संभावना यही है। तो हल्के में क्या आप इसे लेंगे, इस मुद्दे को, और जिस तरह से कॉन्फिडेंस आप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं सीएम राजे, हालांकि तीन बार से लगातार उस सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बार जातिगत समीकरणों के लिहाज से तो आपके वोट बटेंगे? इस सवाल का आप जितनी बार पूछेंगे एक ही जवाब है कि झालरा पाटन में वसुंधरा जी की जीत सुनिश्चित है, भारी मतों से जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस को यह तय करना था कि उनके सामने बलि का बकरा कौन बने, और उसके लिए इन्होंने मानवेंद्र सिंह जी जो अभी हाल ही में आए हैं वो इसके काम में आ गए, और उनको भी ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। उनका अभी प्रारंभ था कांग्रेस में। देखिए, कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी है राजनीति की, अब